हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बी एस रोबियोस। तो फाइनली सनी पाजी की आने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी गद 3, जो कि आप सबको पता है कि 2025 में देखने को मिलने वाली, और कहा जा रहा है कि ये जो मूवी है भाई साहब इंडिपेंडेंस वीक पर रिलीज हो सकती है। और वहीं दूसरी तरफ YRF यानी कि स्पाई यूनिवर्स की जो मूवी है War 2, उसकी भी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है, वो भी आप सभी को इंडिपेंडेंस वीक पर देखने को मिलने वाली है। गेस का यानी कि यहाँ पर अभी तक गद 3 मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन यहां पर जो डायरेक्टर थे अनिल शर्मा, उन्होंने बोला था कि गद 3 मूवी हमें 2025 इंडिपेंडेंस वीक पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, क्या सच में इन दोनों मूवीज का आपस में क्लैश होने वाला है या नहीं, फुल डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि YRF स्पाई यूनिवर्स की आने वाली नेक्स्ट मूवी War 2, जिसकी रिलीज डेट लॉक हो चुकी है, यानी कि उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि War 2 हमें इंडिपेंडेंस पर देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर जो गद 3 मूवी के मेकर हैं, उन्होंने अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन डायरेक्टर जो अनिल शर्मा है, उन्होंने हमें हिंट दिया था कि इंडिपेंडेंस 2025 पर गद 3 मूवी आपको देखने को मिल सकती है। यस, यानी कि उसके बाद ये जो न्यूज थी कि War 2 और गद 3 मूवी का आपस में क्लैश होने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी गद 3 मूवी की जो स्क्रिप्टिंग है वो चली, यानी कि अभी जो स्क्रिप्ट है वो पूरे तरीके से तैयार नहीं हुई, और अभी मूवी की जो शूटिंग है वो भी स्टार्ट होगी, उसके बाद इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। यानी कि हम सब कह सकते हैं कि भाई साहब अभी इस मूवी को बहुत सारा समय चाहिए, शायद ये जो मूवी है वो हमें 2025 के लास्ट में देखने को मिल जाए या फिर 2026 के शुरुआत में देखने को मिल जाए। यस, यानी कि अभी मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि भाई साहब 110% इन दोनों मूवीज का आपस में क्लैश होने वाला है, गद 3 मूवी बीट कर देगी या War 2 मूवी बीट कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। गद 3 मूवी की अभी जो स्क्रिप्टिंग है वो चल रही है, उसके बाद इस मूवी की शूटिंग के प्लान की जाएंगे, मूवी शूट होगी, उसके बाद मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन हाउस का काम होगा, और आप सभी देख सकते हैं कि अभी इस मूवी का बहुत सारा काम पेंडिंग में। यस, यानी कि अभी इस मूवी की स्क्रिप्ट भी मुकम्मल नहीं हुई, तो हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ये मूवी हमें 2025 इंडिपेंडेंस वीक पर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी मेकर्स ने भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। तो यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि भाई साहब दोनों बिगेस्ट मूवीज आपस में क्लैश करने वाले। तो दोस्तों, मैं ये भी पर्सनली ये भी नहीं चाहता कि दोनों मूवीज आपस में क्लैश करें, यानी कि अगर War 2 आ रही है इंडिपेंडेंस वीक पर तो भाई साहब आए, अच्छा कलेक्शन करें, क्योंकि वो भी मूवी काफी बड़ी, और भाई साहब उस मूवी की भी स्टोरी काफी कमाल की होने वाली है। और वहीं गद 3 मूवी अगर 2025 क्रिसमस पर आ जाती है या फिर दिवाली पर आ जाती है, तो भाई साहब मैं कहता हूं कि उस मूवी के लिए और बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, यानी कि क्लैश भी नहीं होगा। और वो मूवी भी आप सबको पता है कि जैसे गद 2 मूवी आई थी, उस मूवी का क्लैश था ओ माय गॉड 2 मूवी के साथ, दोनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करने में कामयाब हुई थी। लेकिन अगर ओ माय गॉड 2 मूवी होती तो गदर 2 मूवी का जो कलेक्शन था वो भाई साहब इंडिया से 650-700 करोड़ होना था। यस, यानी कि आप देख सकते हैं कि क्लैश के बावजूद कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अगर ये जो मूवी है भाई साहब दिवाली 2025 पर आ जाती है या फिर क्रिसमस 2025 पर आ जाती है, तो मैं कहता हूं कि इस मूवी के जो नंबर है वो कैलकुलेटर भी काउंट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, यहां पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि दोनों मूवीज का क्लैश होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी गदर 3 मूवी का बहुत सारा काम रहता है। तो दोस्तों, क्या लगता है कि क्या गदर 3 मूवी War 2 मूवी से क्लैश करेगी या नहीं, मेरे को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो को देख सकें।